हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल एक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का है। क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी इंट्रोडक्शन में, तो ये कह रहा है कि आपको आप प्रॉपर्टी का यूज करके आपको ये जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा भी जाता है और आसान भी है। करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन है उसको नीचे उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, अब आपको दो डिजिट को एक साथ लिखना है। आप याद कीजिए, मैंने आपको करवाया था कॉम्यूटेटिव में a प्लस बी बी प्लस ए, याद आया? तो यहाँ पर आप देखो कि कौन सी डिजिट एक जैसी है, 3/5 और 3/5 दोनों एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक तरफ लिखेंगे, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इनको एक तरफ कर लो ब्रैकेट में और एंड में क्या बचा, आपका बचा +5/2। इतना समझ आया? यानी कि हमें वो डिजिट को एक तरफ करना है जो एक जैसी है, जो सेम है। तो यहाँ जो यूज हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेटा नंबर मिलते हैं। आप लिखोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू। सो अब आप ये देखो कि कौन सी चीज जो है वो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। अगर देखो इधर भी 3/5 है और इधर भी 3/5 है, तो सबसे पहले ना आप ये पूरी डिजिट आप नेक्स्ट पेज पे लिख लो ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। तो -2/3 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 3/5, ओके 3/5, फिर है आपका -3/5 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, और बाहर क्या है +5/2। अब आप क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी डिजिट को मैं बाहर निकाल सकती हूँ। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3/5 जो है वो बाहर कॉमन में आ सकता है, तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब बच्चों एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा ये जो 3/5 होगा अगर बाहर आते हैं, ठीक है, या कोई भी डिजिट जो कॉमन निकलती है उसकी जगह पे अंदर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे -2/3, ठीक है। अब ये बाहर चली गई है तो डेफिनेटली इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, फिर है माइनस, फिर अगेन 3/5 है तो क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1/6 +5/2। इतना समझ आया? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कराऊंगी तो -2/3 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1/6 से कराऊंगी तो -1/6, राइट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बाहर क्या आया 3/5 और इधर आया 5/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 में। तो बेटा कई लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, मैंने आपको बोला था मैं बेसिक से कराऊंगी, तो मैं आपको ये सॉल्व करना बताती हूँ। हमारी जो डिजिट है ब्रैकेट के अंदर वो ये दोनों है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये डिजिट है ना ब्रैकेट के अंदर, हम इन्हें सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। हम नीचे वाली दो डिजिट का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आया, 3 2 6, राइट। तो 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है बेटा, आपको नीचे वाले से तो डिवाइड करना है। पहले क्या करना है, आपको ऊपर वाली डिजिट ऐसी सजा के लिख दो, यानी कि -2 और -1, और इन दोनों के साथ लगाओ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये लिखना है कि अगर मैं 3 के टेबल में देखूं 6 किस पे आता है, तो 2 पे आता है, और 6 के टेबल में 6 किस पे आता है, 1 पे आता है। तो आप नीचे वाली डिजिट से करोगे डिवाइड, क्या करोगे आप डिवाइड, और ऊपर वाली डिजिट से जो डिवाइड होके आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो 2 2 4 और 1 1 1 माइनस माइनस अपॉन 6, तो कितना आएगा, ये आएगा -5/6,
समझ आया आपको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो यानी कि हमारा जो अंदर आ रहा है सॉल्व करके वो आएगा -5/6 +5/2। अब बेटा मुझे यहाँ पर बताओ, देखो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वाई बिकॉज ये जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं इसको शो कर रही है। अब अगर मैं यहाँ देखूं इस वाले स्टेप में, तो यहाँ पर जो क्या हुआ है यहाँ पर इस वाले स्टेप में, इसमें आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉपर्टी शो होती हुई दिख रही है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें दो साइन आते हैं, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप इस स्टेप के आगे लिखोगे दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आया? अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे। 5 के टेबल में 5 किस पे आता है, 1 पे, तो यहाँ बचेगा आंसर -1। 3 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी कितना आएगा, ये आएगा -3। और नीचे क्या है आपका, इधर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा। 1 की मल्टीप्लाई 6 से हुई तो कितना आएगा, -6। तो हमने लिख दिया, 1 सेकेंड, माइनस नहीं आएगा प्लस का आएगा, वाई बिकॉज नीचे कुछ भी माइनस नहीं है। अब इसके आगे क्या था, इसके आगे था 5/2। अब अगेन हमारा जो है ये दोबारा सॉल्व होगा जिस तरीके से मैंने ये वाली चीज आपको सॉल्व करके दिखाई थी। तो मैं क्विकली करती हूँ इसको, पहले 6 और नीचे वाले डिजिट का हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना आया बच्चों आपका एलसीएम, आपका एलसीएम आएगा 2 × 3 = 6। जब आपका एलसीएम आपके पास आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, आफ्टर गेटिंग द एलसीएम आप लिखोगे -3 + 5 और इन दोनों के आगे मल्टीप्लाई का साइन, राइट? तो नीचे वाले से हम क्या करते हैं, डिवाइड, राइट? मैंने आपको बताया था ऊपर वाले सजा लेते हैं और उनके आगे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और नीचे वाले से करते हैं डिवाइड। तो 6 के टेबल में 6 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -3 + 50/6। तो 15 में से 3 गए कितना आया, 12/6, कट करा तो कितना आया 2। अब बेटा ये क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, सो इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसके सेकंड पार्ट को नीचे उतार लेते हैं। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ है माइनस, -1/6 × 3/2 +1/14 × 2/5। अब मुझे बताओ कि कौन से डिजिट सेम है, तो 2/5 और 2/5 वाली पूरी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरी डिजिट उठाएंगे और एक तरफ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, फिर हम लिखेंगे +1/14 × 2/5 और हम इसको रख देंगे विद इन ब्रैकेट। बाहर क्या लिखेंगे, -1/6 × 3/2 और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे, 2/5 को आप बाहर कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 2/5 और अंदर क्या आएगा, ये आएगा -3/7, राइट? तो उससे भी पहले मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था कि जब भी ये बाहर आएगा तो इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, फिर क्या है, ये वाले डिजिट, ये है -3/7, तो हम लिखेंगे -3/7। ओके, फिर क्या है आपका, फिर है आपका +1/14, तो हम लिखेंगे +1/14 मल्टीप्लाई, जब 2/5 बाहर चला गया तो डेफिनेटली उसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली डिजिट ऐसे लिख दो -1/6, 1 सेकेंड, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, इनटू व्हाट, 3/2। सो आफ्टर दिस अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, -2/5 और अंदर क्या आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी -3/7, 1/14 और ऊपर की मल्टीप्लाई, ऊपर से आप कट भी कर सकते हो अगर कट करना चाहो तो, इसको कट कर दो। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और 2 जा क्या होता है, 4, तो 1/4। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने कट ही करके लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस 2
2/5 एलसीएम ले लो जल्दी से, 14, ये आएगा -6 + 1, ये चीज मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 1 गए तो कितना आया, ये आएगा 5, वो भी माइनस का, अपॉन 14, इधर क्या आएगा 2/5, 1/4। अब 5 में से 5 गए कितना बचा, -1, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ इसको, क्या आ रहा था 2 - 1 एंड अपॉन में क्या आ रहा है इसके 14, तो हम लिखेंगे अपॉन में 14। सेकेंड चीज क्या है, -1/4, तो हम लिखते हैं यहाँ पर -1/4। अब 2 के टेबल में 14 किस पे आता है, 7 पे, राइट। तो अब आपको क्या करना है, -1/7 -1/4 का एलसीएम लेना है, ये आएगा, 1 सेकेंड, ये आपका आएगा 28, और ऊपर वाली डिजिट हमने ऐसी सजा दी, मल्टीप्लाई भी लगा दी उनके साथ। अब मुझे ये बताओ कि 7 के टेबल में 28 किस पे आता है, ये आता है 4 पे, और 4 के टेबल में 28 किस पे आता है, ये आता है 7 पे, तो कितना आया, -4 - 7 और अपॉन 28। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा -11/28। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।